हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे अगर आप प्लान कर रहे हो यूके स्टडी वीज़ा को लेकर, वो भी विद स्पाउस। एंड मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब यूके की प्रायोरिटी की टर्न आती है तो स्पाउस का भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन चूज़ किया जाता है कि स्पाउस केसेस के ऊपर जाना है। बट स्पाउस केसेस के ऊपर मोस्टली जो केसेस देखने को मिलती हैं वो होती है जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद अप्लाई करते हैं विद स्पाउस। एंड वी ऑल नो कि प्लस टू के बाद बहुत लिमिटेड ऑप्शन होती है, क्योंकि यूके की जो गवर्नमेंट है वो भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि 10+2 का जो स्टूडेंट होता है वो मोस्टली 18 या 19 ईयर्स ओल्ड होता है, और उनकी अगर स्पाउस केसेस की फाइल लगती है तो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आती ही आती हैं। चाहे आप इस बात को इग्नोर करें या नेगलेक्ट करें, बट इस सिचुएशन पे ये हमेशा होता ही है कि जो प्लस टू की जो प्रायोरिटी बेसिस है स्पाउस केसेस को लेकर, उसकी जो सक्सेस रेट है वो इतने अच्छे नहीं है जितनी ग्रेजुएशन के बाद स्पाउस केसेस को लगाने में है। सो अगर मैं बात करूँ कि 4-5 चीज़ें हैं जो स्पाउस केसेस में लगाने के बाद जो आपको टेक केयर करने वाली होती है, एंड अगर आप स्पाउस की एप्लीकेशन लगाते हैं, चाहे वो विद आयल्स है, विदाउट आयल्स है, MOI है, अगर ये 4-5 चीज़ों के अगर आप ध्यान रख लेते हैं सो आपका जो सक्सेस रेट की चांसेस हायर हो जाते हैं और रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ा सा वायरल है। बट फर्स्ट जो है इंटरव्यू को लेकर, जो स्पाउस केसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा, या फिर यूके के केसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहते हैं उसके इंटरव्यू को लेकर, क्योंकि जब भी हम यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं सो मोस्टली जो हमारा एजेंडा होता है जो पास करने वाला वो होता है हमारा इंटरव्यू। और यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर आप जब भी स्पाउस केसेस के लिए अप्लाई करते हैं आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता गाइस। यस गाइस, स्पाउस केसेस विदाउट इंटरव्यू, जो भी बच्चा या जो भी कपल स्पाउस के लिए अप्लाई कर रहा है उनका कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। ये बहुत ही पॉजिटिव साइंस होता है और एक इसका सक्सेस रेट भी जो है वो बहुत हाई है। एंड यहाँ पर जब बात आती है ट्रैवलिंग की तो यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर होती है, मैंने आपको पहले भी ये बातें शेयर करी हैं और आज भी बता रही हूँ, जब भी आप स्पाउस केसेस लगाने जाते हो तो हमेशा सेपरेट लगाना यूके के लिए। कनाडा का सिनेरियो थोड़ा अलग है, आप सेपरेट भी लगा सकते हो, लॉन्ग भी लगा सकते हो, जो भी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो भी न्यू केसेस आते हैं। बट जो यूके की जब मैं बात करूँ तो अगर आप सेपरेटली इसकी फाइल लगाते हो तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट देते हैं। सेपरेटली आप लगाओ, सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसकी फाइल लगाओ, वो स्टूडेंट जो है वो पहले वहाँ जाएगा, ट्रैवल करेगा, अपनी सेटलमेंट करेगा, अपना जो है BRB लेगा, उसके बाद आप जाएगा, जो भी डिपेंडेंट है वो बाद में जाएगा। तो आपका जब सक्सेस रेट है इस सिनेरियो में बहुत हाई रहती है, क्योंकि बहुत मोस्टली जो सक्सेस रेट जो है जो स्पाउस केसेस में हमें देखने को मिला था वो गिर चुका था जब जो है स्पाउस केसेस जो है वो टुगेदर जो है इकट्ठे फाइल लगा कर जाने की कोशिश किए थे, बहुत रिफ्यूजल्स आए थे। बट यहाँ पर वो ट्रेंड भी देखा गया था, अगर आपने अलग फाइल लगाई तो आपका जो ट्रेंड था वो सक्सेस रेट में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पे मैं यही एडवाइस करूँगी, अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप अपनी फाइल जो है वो सेपरेट जो है वो लगाएं। इसका जो सेकंड पॉइंट है जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है वो होती है हमारी रजिस्टर्ड मैरिज। वी ऑल नो कि यूके बहुत ही पर्टिकुलर है नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को लेकर, पंजाब, स्पेशली पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स को लेकर, क्योंकि चाहे वो स्टडी वीज़ा की मैं बात करूँ या फिर हमारी ट्रैवल वीज़ा की बात करूँ, और मोस्टली जो स्पाउस केसेस में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड जो था वो नंबर 1 पे था यूके में इन दो जो स्टेट्स की तरफ के बच्चों के। सो ये जो पंजाब और हरियाणा के बच्चे जाते हैं तो एम्बेसी जो है वो क्रॉस चेक जरूर करती है कि क्या ये फॉर्मली जा रहे हैं या फिर कोई फ्रॉड के केसेस में जा रहे हैं। तो अगर आप मैरिज के बेसिस पे जा रहे हो, मेक श्योर जो है आपकी मैरिज जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए, उसमें आपके पास प्रूफ जो है वो भी मैंडेटरी हो जाते हैं। एंड जो प्रूफ है उसमें एडिशनल अगर आपके पास कोई प्रूफ है वो भी बहुत अच्छा रह जाता है, एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स है या फिर आपके जॉइंट आपने कोई अकाउंट जो खुलवाया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बन जाता है। एंड जो मेंटेनेंस जो आप दिखाते हो अपने फंड्स में, उसमें अगर जो भी हमारा इंडिपेंडेंट स्पाउस है जिसके नाम पर जो है फाइल लग रही है वो अगर उसका नेम हो तो आपके जो चांसेस है वो बहुत ही राइज हो जाते हैं। एंड ये बहुत पॉजिटिव सिंबल बन जाता है कि जब भी आप सक्सेस रेट की तरफ जाते हैं स्पाउस केसेस को लेकर,
यूके फिर अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील कराता है उन स्टूडेंट्स की तरफ में जिनके सारे प्रूफ जो हैं वो लीगली प्रोसेस में जो सबमिट हो जाते हैं और उसके बाद पास भी हो जाते हैं। सो मेक श्योर अगर आपने मैरिज की है तो आप जो है आपकी फाइलिंग जो अपनी मैरिज है वो रजिस्टर करवाएं और अपनी जो प्रूफ्स है चाहे वो बैंक अकाउंट से या जो भी आपके पास अदर है वो आप कंसल्टेंसी से भी पूछ सकते हैं, बट आप जो है इसको जरूर इसमें ऐड ऑन करें अपनी प्रोफाइल में। थर्ड जो आती है जो हमारे पास वो आती है प्रूफ की, लेकर भी बात कर रही थी, तो वो है अगर आपने मैरिज कराई है तो आपके पास जो भी मैरिज के पिक्चर्स हैं या फिर मैरिज का आपका कार्ड है जो आपने डिलीवर करना था, ऐसी तरह के अगर आप अटैचमेंट लगाते हैं तो वो एक जेन्युइन मैरिज का जो है एक प्रूफ बन जाता है और उसमें आपकी रिफ्यूज़ल के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं और आपकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई हो जाते हैं। यही कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो चार पॉइंट है, जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो आपको हमारा स्टाफ बता देगा, बट यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड आपको जो है इसके लिए एलिजिबल करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या हमें विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।